Good morning to everyone. Today I will work on potential energy stored in the spring. बच्चों लास्ट क्लास में मैंने वर्क किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. तो आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में स्टोर हो सकता है उसके पोजीशन को चेंज करने के कारण, उसके शेप और साइज को चेंज करने के कारण. और अगर कोई बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है तो वैसे एनर्जी को हम लोग कहते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और अगर किसी बॉडी के साइज और शेप को चेंज करने के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है तो वैसे एनर्जी को हम लोग कहते थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग आज काम करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. मीन्स हाउ कैन यू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग वाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग. तो बच्चों हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग वाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग. किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हैं या किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग आज इस फॉर्मूला में डिराइव करेंगे. तो काफी आसान है, बस आपको समझने की सही से आवश्यकता है. तो सबसे पहला काम जो हम लोग का है वो एक सरफेस बनाना है. यहां मैं तीन फिगर ड्रॉ करूंगा. फर्स्ट इज द रिजिड सरफेस. दिस इज एक्चुअली अ स्प्रिंग एंड दिस इज ए बॉडी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. मीन्स यहां पर बाबू जो बॉडी है वो इस सरफेस के कंटेक्ट में इक्विलिब्रियम पोजिशन पर है. इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये बॉडी और स्प्रिंग ना कंप्रेस किया हुआ है और ना ही इसको वो स्ट्रेच किया हुआ है. मीन्स इस बॉडी ने इस स्प्रिंग को ना ही कंप्रेस किया इस तरह से और ना ही इस बॉडी ने इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया. मतलब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजिशन पर है, अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल साइज में. ठीक है, जैसे हम लोग रबर रखे हुए रबर अपने ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल साइज में वैसे ही. लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, सपोज मैं इस बॉडी को इधर की ओर खींचा, इधर की ओर पुश किया, हमने जब इसको इधर की ओर पुश किया तो ये स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा. तो हमारे पुल से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो इस स्प्रिंग में ऊर्जा आएगी. इस ऊर्जा को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. और सेम वे में अगर मैं इसको पुश करूंगा, सपोज दिस बॉडी इज पुश्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, देन व्हाट विल हैपन हियर, देन वी कैन से हियर देयर इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कॉजेस. मींस यहां स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा. तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करना या स्प्रिंग को कंप्रेस करने से स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन होता है. मीन्स स्प्रिंग का जो शेप है वो आपका डिस्टॉर्टेड होता है. मीन्स स्प्रिंग का शेप चेंज होता है. तो स्प्रिंग के शेप में जो चेंजिंग आया, जो डिस्टॉर्शन आया अप्लाइड पुश और पुल के कारण, उसमें जो उस कारण से अप्लाइड फोर्स, हम जो पुश या पुल किए इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज को मैंने एम पिकअप किया है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने से स्प्रिंग में जो स्ट्रेच या कंप्रेस काउज किया है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुआ उस स्प्रिंग में, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसी एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करने का इस टॉपिक में आज काम करेंगे. तो बिल्कुल ध्यान से जो बताना है, सपोज दिस इज बॉडी एम हैविंग मास एम, बॉडी इज हियर, इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. That means here we can say there is no stretch in the spring causes. जब a spring में कोई stretch नहीं है, जब a spring में कोई stretch या कोई compressed part नहीं है, इसका मतलब a spring अपने mean position पर है, a spring का कोई side और कोई shape change नहीं किया गया है, तो उस स्प्रिंग का चेंज इन साइज क्या हो गया, जीरो हो गया. मींस वी हैव टू टेक एक्स इक्वल जीरो. और इस केस में स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो. उस स्प्रिंग के फोर्स को हम लोग एफ एस कहते हैं. अप्लाइड फोर्स हम लोग का ये था या ये होगा
लेकिन इस अवस्था में ना हमने इधर पुश किया ना पुल किया, ना पुल किया ना पुश किया, मतलब कोई प्रकार का स्प्रिंग फोर्स यहां काउज नहीं है इनिशियली शुरुआत में। लेकिन अगर हमने क्या किया, एक सेकेंड फिगर ड्रॉ किया इसका, यह अगेन एक सरफेस है, हमने इस फिगर में स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। स्पष्ट है जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो बच्चों इस बॉडी जिसको हमने इधर की ओर पुल किया मास तो उसका वही रहेगा, लेकिन साफ दिख रहा है कि इस मीन पोजीशन से स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस किया, क्या ये हो गया डिस्प्लेसमेंट किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग रूप में कितना स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग का साइज कितना चेंज किया, स्प्रिंग का साइज कितना बढ़ा अप्लाइड फोर्स ऑफ पुल के कारण, उसको मैंने यहां एक्स। अब दिमाग लगाओ डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में, सेकेंड केस मीन बी नंबर फिगर में, बी फिगर में डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी के थ्रू स्प्रिंग में जो हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे x इज हेयर पॉजिटिव वाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो चाहेगा और हम उस फोर्स को रिलीज कर दे तो ये बॉडी पुनः अपने आप घर की ओर कॉम्प्रेस कर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन घर की ओर, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स एफ एस जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव निगेटिव। हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया स्प्रिंग का वो राइट साइड किया, लेकिन जो स्प्रिंग में फोर्स काउज हुआ, हमने फोर्स लगाया पुल इधर की ओर, अगर मैं फोर्स को रिलीज कर दूं तो बॉडी खुद ब खुद इधर की ओर वो टेंड करेगा मूव करने के लिए, जिस फोर्स से बॉडी मूव किया इधर की ओर उस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहे, उस फोर्स का डायरेक्शन स्पष्ट निगेटिव होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये निगेटिव पॉजिटिव था निगेटिव, इसने मेरे कहा एफ एस इज निगेटिव है बल्कि एक्स इज व्हाट पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट एक्स। बच्चों लास्ट केस थर्ड केस, मतलब यहां हमने जो अप्लाइड फोर्स है इस फिगर में, जो अप्लाइड फोर्स था वो स्पष्ट है किसका था, पुल का, इस फिगर में कोई फोर्स लगाया नहीं है, अप्लाइड फोर्स इज जीरो है, अप्लाइड फोर्स इज व्हाट जीरो है, अप्लाइड फोर्स यहां पुल के रूप में काम किया। और थर्ड वाले केस में क्या किया बच्चों कि यहां स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, जब स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूंगा बॉडी के थ्रू तो स्पष्ट है कंप्रेस करने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा, पुल पुश करना पड़ेगा, हम जब बॉडी को कंप्रेस कर दबाया जब क्यों तो स्पष्ट है कि बॉडी का मास अभी एम का एन ही है, बट बॉडी का मीन पोजिशन को यह था मीना रहा था, बॉडी डिस्प्लेस इधर की ओर किया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, बोलो एक्स का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हुआ, दैट मींस एक्स इज व्हाट है नेगेटिव, अगर मैं इस फोर्स को रिलीज कर दूं तो ये स्प्रिंग अपना ओरिजिनल शेप में आने के लिए बॉडी इधर की ओर फेंक देगा, तो इधर काम किया कौन लोग का, एफ एस काम किया, जो कि इस केस में क्या होगा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं बस सिंपल कंसेप्ट है, हमने जब बॉडी को यूं ही छोड़ दिया तो स्प्रिंग फोर्स जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, बॉडी को मैंने पुल किया तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा स्प्रिंग का, और हमने अगर इस फोर्स को कंप्रेस किया अप्लाइड फोर्स तो हम मतलब कि पुश किया, तो कहोगे सर कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हुआ बट स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, दैट मींस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तीन फिगर को आप समझ गए, अब हम यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है, हमको निकालना क्या हम जान रहे हैं, निकालना वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू ओनली फाइंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग व्हाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, जस्ट सिंपल है, टेंशन मत लीजिएगा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का लॉ कहता है कि जो फोर्स फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एक्स. कौन फोर्स? ये स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के होगा. स्पष्ट है, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा. इसका मतलब स्प्रिंग के पास बॉडी को खींचने की उतनी ही फोर्स बढ़ गई. अगर आप लोग अपने हैंड को रिलीज कर दे तो फिर सुन क्या बोल रहे हैं. अगर मैं इस बॉडी को ज्यादा खींचूंगा, एक्स को बढ़ा दूंगा, तो एफ एस भी क्या बढ़ेगा. स्पष्ट, क्योंकि एफ एस को उतना ही ज्यादा तेजी में उसको खींचा जाएगा अपने. ठीक है, तो एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. दिस कम्स फ्रॉम विच लॉ? हुक्स लॉ. और जब इस सिंबल को हम रिमूव करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट लेंगे और उस कॉन्स्टेंट को हम लोग यहां पर कहेंगे माइनस के एक्स नहीं बल्कि सिर्फ के एक्स कहेंगे ओनली के एक्स. बट यहां पर डिमांड लगाओगे एक्स जो था एक्स का डायरेक्शन देखो इस फिगर में एक्स इधर की ओर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर है. इस फिगर में एक्स इधर की ओर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर है. मतलब हमने ऑब्जर्व किया इस दोनों फिगर में कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट का. और अपोजिट साइन को हम लोग दिखाते हैं इसे माइनस से. दैट मींस वी हैव टू प्लेस नेगेटिव साइन हियर व्हिच इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग जो है अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स. व्हाट इज के? के इज कॉल्ड वेयर के इज कॉल्ड वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. जहां के को हम लोग क्या कहेंगे? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहेंगे. या बच्चों के को हम लोग कह सकते हैं हुक्स कॉन्स्टेंट. हालांकि उसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहिएगा. और एक बात मैं आपके जानकारी भी दे देता हूं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के. कोई स्प्रिंग देखते हो पैन में, पैन में जो स्प्रिंग होता है वो काफी होता है लूज, उसको आराम से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. इसका मतलब के का वैल्यू स्मॉल होगा. लेकिन जो बाइसिकल जो मोटरसाइकिल बाइक कार में स्प्रिंग होता है यूज वो काफी हार्ड होता है. होता है ना, जब स्प्रिंग काफी हार्ड है उसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है, उसको स्ट्रेच करना इतना आसान नहीं है. उसमें के का वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा. मीन्स के इज लार्ज फॉर हार्ड स्प्रिंग. हार्ड स्प्रिंग के लिए के का मान क्या होगा? बहुत बड़ा होगा. जबकि के जो है वो छोटा होगा किसके लिए? फॉर लूज स्प्रिंग. कोई स्प्रिंग अगर लूज है, ढीला है, सॉफ्ट है तो उसमें के का मान क्या होगा? वो कम होगा. ठीक है, तो ये सिर्फ बात बोलने की बात थी, इसको आप लोग समझ में होगी. अब हम लोग का जो मकसद है वो क्या है इस पर गौर कीजिएगा. बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान को दीजिएगा, इसको नोट कीजिए फर्स्ट में, तब मैं आगे बढ़ूंगा. वीडियो पॉज कीजिए. तो बाबू हमने अभी स्टार्ट किया था जो हुक्स लॉ, उससे एफएक्स इक्वल टू हमारे पास आया था माइनस के एक्स, जहां के हुक्स कांस्टेंट कहते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट. हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. तो एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड उतना ही होगा जितना हमने वर्क किया है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने. तो सपोज डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्पष्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? स्मॉल होगा. दैट मींस को हम लोग मानेंगे डीएक्स. कि डब्ल्यू इक्वल टू आपने पढ़ा है एफएस, डब्ल्यू इक्वल टू पढ़ा आपने एफएस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस पढ़ा है. और स्पष्ट है कि एफ और डीएक्स में डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है. वर्क छोटा तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो. स्मॉल वर्क को डी डब्ल्यू कहेंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डीएक्स कहेंगे. और लार्ज वर्क मींस टोटल वर्क डन बाय और कुल मिलाकर कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी डब्ल्यू एस को कहां से कहां. कहोगे सर मान लो इसके इनिशियल पोजिशन अगर स्प्रिंग का एक्स आई है, शुरुआत में ही मान लो स्प्रिंग यहां से खींचा हुआ था ये एक्स आई, इसको मान लो कि सपोज करो मैं आपको ये अभी शुरुआत में स्प्रिंग खींचा हुआ है. मान लो इस तरह से स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग का ये मीन पोजिशन यहां तक इसको खींच दिए तो यहां पर आ गया और खींचे यहां आ गया ये एक्स आई यहां से मान लो
ये इसका मीन था, ये एक्स आई है, ये क्या हो गया, ये पूरा एक्स एफ हो गया, ये एक्स आई हुआ, ये एक्स एफ हो गया। तो आपने जो इसका डिस्प्लेसमेंट काउच किया वो कहां से कहां काउच किया, एक्स आई से एक्स एफ तक, एक्स आई से एफ तक, एक्स एफ तक डिस्प्लेसमेंट काउच करने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया एक्स आई से एक्स एफ, जहां से जहां चेंज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा वो लिमिट हो गया, और यही आपको टोटल वर्क देगा जिसको डब्ल्यू एस कहेंगे, और यही टोटल वर्क जो होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा जिसको हम ईपी कहेंगे, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, और डीडब्ल्यू का मान बच्चों ऊपर निकाल चुका है मैंने, कितना डीडब्ल्यू का मान स्पष्ट है निकाल चुका है एफ एस डी एस, और जहां पर ईपी दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ, और एफ को ऊपर हुक्स लॉ से क्या माइनस के कांस्टेंट बाहर निकल गया एक्स डी एस, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं कि हम लोग के पास क्या है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और यहां से फिर माइनस हाफ इंटू के भाग होगा अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा एक्स एफ का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा एक्स आई का स्क्वायर, और ब्रैकेट अगर तोड़ देंगे तो कहोगे सर आएगा हाफ के, या माइनस में कॉमन निकाल लिया तो आएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस कितना, माइनस माइनस एक्स एफ का स्क्वायर, बहुत आवाज कम पड़ेगा मुझे। तो बाबू यही हम लोग का फॉर्मूला ड्राइव हुआ, दिस फॉर्मूला को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको यही ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, ईपी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है सिंपल। अगर हमने पोजीशन चेंज नहीं किया दैट मींस एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ क्यों, जब एक्स आई एक्स एफ के मतलब कि हमने कोई उसका सेट चेंज किया ही नहीं, स्प्रिंग यूं ही रखा हुआ है, एक्स आई और एक्स एफ सेम हो गया, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन व्हाट, देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग का शेप ही चेंज नहीं किए तो इस दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, दैट मींस अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जीरो, ठीक है। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें मैं आपको तीन से चार सवाल भेजूंगा जिस पर वर्क करना है, बहुत बेहतरीन सवाल होगा, और इस पर काम करने के बाद जो डाउट होगा उसको आप पूछेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू, आज इतना ही।